शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम्हें अपना नाम याद है? हाँ। क्या क्या है तुम्हारा नाम? सुरेश। गुड। तुम्हारी उम्र? 18 साल। Are you sure? सुरेश, जानते हो तुमने क्या गलती की है? एक शादीशुदा औरत से प्यार किया। प्यार करना कोई गलत है क्या? जवाब दो, हाँ या ना। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन किसी शादीशुदा औरत से प्यार करना गलत है, बहुत बड़ी गलती है। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश, तुम्हारी वाइफ की इसमें कोई गलती नहीं है, बिलीव मी। सुरेश का साइको टेस्ट करके उसका रिपोर्ट देखने के बाद सारी गलती मुझे सुरेश की नजर आ रही है। दरअसल इस उम्र में लोगों को प्यार ना मिलने की वजह से भटक जाते हैं, सुरेश का भी वही हाल है। हार्मोनल प्रॉब्लम। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पेरेंट्स भी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। मैंने भाई को खाना बनाने के लिए बोल दिया है, याद से खा लेना, ठीक है? सुरेश, मालिक ने आज मुझे जल्दी बुलाया है, याद से लाइट बिल भर देना बेटा, ठीक है? शांति? हाँ? अंदर आओ, जरा काम है। Thank you.
मैं देख के आती हूँ। मैं किचन में हूँ। मैच्योर इंसान तो सोच समझकर कदम उठाता है, लेकिन इस उम्र में बिना सोचे समझे कदम उठाता है। खेल कूद मस्ती मजाक और पढ़ाई करने की इस उम्र में बेचारा सुरेश उन रास्तों से ही भटक गया। लगता है इस उम्र में भी उसका कोई खास दोस्त भी नहीं है। 11 बजे काम वाली घर में आती है, उस वक्त सुरेश भी घर में अकेला नहीं था। ऐसे में उसका भटकना स्वाभाविक है, इस वजह से गलत चीजों ने उसे घेर लिया। ऐसे में एक फोन आया। फोन तुम्हारी वाइफ मेघना का था। उसने लगाया था तुम्हारे नंबर, मगर गलती से उसके नंबर पे। आप क्या कर रहे हो? इसके पहले सुरेश के कानों में इतनी प्यार भरी आवाज कभी नहीं गूंजी थी। मैं कल रात भर तुम्हारी यादों में तड़पती रही। आप मेरी नींद अपने साथ ले गए, वापस कब आओगे? के बिना एक पल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। एक लड़की की वो प्यार भरी बातें जाने अनजाने में सुरेश के दिल में घर कर गई। वो प्यारी सी लड़की और कोई नहीं, मेघना थी, तुम्हारी वाइफ मेघना। सुरेश, हमारे पास बस 3 घंटे हैं, 3 घंटों में सारा काम होना चाहिए। हेलो गणेश, मैं बाद में फोन करता हूँ, अभी इस वक्त बिजी हूँ। हेलो सुनो गणेश, अभी थोड़ी देर पहले मैं तुमसे ही बात कर रही थी ना। मुझसे कहाँ बात की? मैं बाद में फोन करता हूँ, मैं अभी बिजी हूं मेघना। मेघना को इसका एहसास तभी हो गया था कि वो तुमसे नहीं किसी और से बातें कर रही थी। और इस बीच सुरेश इस बात के लिए बेचैन था कि आखिर ये फोन किसका था।